तो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए कॉमर्स पर जो क्लास लेकर आए हैं वो 42 नंबर की आपकी क्लास है। और साथ ही साथ हम आपको एक और सूचना दे दें कि आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं पेटीएम का केस। जो भी हमारा लकी विनर होगा हर दिन, उसको हम 20 रुपये का पेटीएम करेंगे। तो आपको क्या करना रहेगा, देखिए आपको क्या करना रहेगा, जो भी हम आपको होमवर्क दें वो आपको होमवर्क करना रहेगा। और आपको हमें उसका कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करना रहेगा। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को शेयर करें और उसका हमें स्क्रीनशॉट लेकर भेजें। और जो के जिसके भी आंसर्स सही होंगे और जिन्होंने शेयर करा होगा, उन सभी को हम, उनमें जो लकी विनर होगा उस एक लकी विनर को हर दिन हम क्या करेंगे, पेटीएम केस 20 रुपीज़ का पेटीएम केस देंगे। हमने ये क्यों लेकर आए हैं, हम इसके पीछे का ऑब्जेक्ट हम आपको बता दें, हम ताकि हमने देखा है कि कमेंट बॉक्स में जब भी हम होमवर्क देते हैं आपको, तो कुछ हमारे जो बच्चे रेगुलर वीडियोज़ को देख रहे हैं वे ही आंसर करते हैं, जबकि काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन वे आंसर नहीं करते। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक इंसान क्या करे, वो आंसर कर दे ताकि उसकी तैयारी अच्छे से हो। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, और आपको जो भी लोग आंसर दे रहे हैं उनके लिए भी कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये लेकर आए पेटीएम का 20 रुपये का केस हम आपको देंगे। तो जो भी लकी विनर होगा उसे हम हर रोज़ अगले वीडियो में उसका नाम अनाउंस करेंगे। तो आप सभी जो भी आपको लगता है उसका आंसर रिप्लाई करें, जल्द से जल्द आप रिप्लाई करा करें और आपको अगले वीडियो में हम अनाउंस कर देंगे विनर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं 42 नंबर की हमारी क्लास है। और आपको ये कमेंट आप जो शेयर करेंगे वीडियोस का, जो आपको हमें इमेज लेकर भेजना है, जो आप स्क्रीनशॉट लेकर कहाँ पर भेजेंगे आप, तो आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो भेज देंगे स्क्रीनशॉट लेकर। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना, और जो भी आप आंसर लिखे उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजे। और जिन भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और जिन ग्रुपों में आपने शेयर करा उन सबका हमें स्क्रीनशॉट लेकर भेजें, और ये हमारा नंबर आप जरूर नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कि देखिए क्योंकि लेखा जो आपकी बुक्स हैं कि कौन कौन सी आपकी बुक्स रखना पड़ती है, या हम देखिए लेखा शास्त्र का जो पार्ट भी है ये कवर करके चल रहे हैं। इसके अंदर आपने देखिए जो यूनिट फर्स्ट थी ये पूरी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में भी ये हमारे जो टॉपिक है प्रमाणक, सौदे, लेखांकन समीकरण और नाम और जमा के नियम, ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रारंभिक प्रविष्टि की बहियों पर बात कर रहे हैं, ये टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या होती है दैनिक पंजी, मतलब जो आप रोज की रोज जो रिकॉर्डिंग करते हैं वे सभी इसमें अंदर आ जाती हैं। कौन कौन सी आप बुक्स रखते हैं ये सब हम आपको बताते चलेंगे। और साथ ही साथ क्या सहायक बहियां होती हैं कि कौन सी और आपको अदर बुक्स भी रखना होती है, जैसे सेल बुक हो जाती है आपकी, परचेज बुक हो जाती है, सेल रिटर्न बुक्स हो जाती है, परचेज रिटर्न बुक्स हो जाती है, तो ये सब आपको ये सहायक बहियां ही होती है ये सब आपकी। तो आज के वीडियो में आपको जो बताने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण ये जो बहियां होती है इन्हें क्यों रखने की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर एक बार, काफ़ी कुछ आपको ऐसे ही जनरली पढ़ने पे ही समझ में आ जाएगा कि देखिए जब किसी भी व्यापार में सबसे पहले जो क्या होता है कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों, सर्वप्रथम कोई भी काम किया जाता है तो उसका लेखा क्या होता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में किया जाता है। और जो ये प्रारंभिक लेखे में की पुस्तकों में सबसे पहले आप क्या करते हैं लिख लेते हैं, उसके बाद ही क्या होता है कि लेखांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, कोई भी आपने ट्रांजेक्शन करा तो जो आपकी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है उसके अंदर आप एंट्री कर लेते हैं, और जब आप वो एंट्री कर लेते हैं उसी के आधार पर या वही एक आधारशिला होता है किसकी, लेखांकन की। मतलब कोई भी आपने ट्रांजेक्शन करा तो उस ट्रांजेक्शन को आप किसी भी एक पुस्तक में लिख लेते हैं, उस लिख लेने के बाद से ही लेखांकन का कार्य क्या होता है प्रारंभ होता है, ये बात आपको याद रखनी है। यही यहाँ पर लिखा है कि व्यापार में किसी भी व्यवहार के संपन्न होने, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद सर्वप्रथम उसका लेखा क्या करते हैं जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में किया जाता है, और उसके बाद ही लेखांकन की अन्य क्रियाएं की जाती है। और ये क्या है लेखा कर्म की क्या है आधारशिला है, और ये जो प्रारंभिक लेखे की क्रिया को ही प्रारंभिक लेखांकन या मूल प्रविष्टि कहा जाता है। मतलब जब आप सबसे पहले वो जो सौदा हुआ है, जो व्यवहार हुआ है, उसको आप जब लेखांकन में आपकी प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिख लेते हैं तो ये आपकी प्रारंभिक लेखांकन हो जाता है या आपकी मूल प्रविष्टि हो जाती है। तो इन पुस्तकों में फिर क्या क्या आता है, तो इसी के अंदर आती है आपकी स्मारक बही, ये सब आपके सिलेबस में है, नकल बही, सहायक बहियाँ, ये सब आपके सिलेबस में, तो ये सभी इसके अंदर सम्मिलित होती है। आप एक बार देख लीजिए सिलेबस में ये सब है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है नकल बही, सहायक बहियाँ और ये प्रारंभिक लेखे की प्रविष्टियाँ, तो ये आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई सौदा करा है तो वो सौदा हो जाने के बाद आप जब प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें होती है उसके अंदर जब आप एंट्री कर लेते हैं
तो यह आपका लेखांकन का सबसे पहले, इसके बाद से ही जब आप नोट कर लेते हैं ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसके बाद से ही आपका लेखांकन का काम प्रारंभ हो जाता है। अब आपको अच्छे से, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप स्मारक बही रख सकते हैं, आप नकल बही रख सकते हैं, आप सहायक बहिया ये सब रख सकते हैं। तो ये यहाँ से काम प्रारंभ होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्मारक बही को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप उसको नोट कर लेना है, फिर उसके बाद से लेखांकन का काम प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं स्मारक बही क्या होती है, मेमोरेंडम बुक क्या होती है। देखिए, जो स्मारक बही होती है ये एक है ना, एक तरह की एक रफ कॉपी तरीके होती है, जिसके अंदर जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसको वो डेट वाइज उसको उसमें नोट कर लेते हैं। और ये हर व्यापारी, जो जो भी व्यापारी है वो अपनी इच्छा पे रखता है, चाहे तो वे रखे चाहे वो इसे ना रखे। ये केवल उसको काय के लिए रखते हैं, उसको ध्यान में रखने की, कोई सौदा हुआ है तो किस तारीख को हुआ है ये ध्यान में रखने के लिए यह वो बुक प्रिपेयर करता है स्मारक बही। तो क्या क्या देखिए कहता है स्मारक बही के अंदर। अगर इसकी आशय की बात करें तो देखिए, स्मारक बही साधारण कागज की बनी कच्ची बही होती है। देखिए, बिल्कुल हमने आपसे कहा है कि एक रफ बुक की तरह होती है ये। इसमें जो भी व्यापारी अपने क्या होते हैं दैनिक व्यवहारों को उसी समय लिख लेता है, जो भी वो ट्रांजेक्शन करता है तो उसको उसी समय क्या करता है इसमें नोट कर लेता है। काय के लिए नोट कर लेता है, उसी समय लिख क्यों लेता है, ये देखिए मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करते जाइए, अपने लेन देन को याद रखने के लिए करता है इसे, इसलिए इसे स्मारक बही या स्मरण बही कहते हैं। कोई ट्रांजेक्शन करा, उसे बुक में क्या करा आपने, नोट कर लिया। क्यों नोट कर लेते हैं, ताकि आपको याद रहे। आप और ये कैसी एक रफ कॉपी तरीके होती है, इसलिए से क्या वेस्ट बुक या कच्ची बही भी कहा जाता है। इसमें देखिए डेबिट और क्रेडिट के जो नाम और जमा के नियम होते हैं वे नहीं लागू होते हैं, और ना ही इनको ध्यान में रखा जाता है, यही लिखा है यहाँ पे, और ना ही इनकी प्रगति क्या ध्यान रखने की होती है। इसमें दर्ज व्यवहारों को बाद में नकल बही में विधिवत लेखा बद्ध किया जाता है। स्मारक बही का प्रयोग देखिए मैंने आपसे कहा था ये अपनी इच्छा पे होता है, आप चाहे तो रखे चाहे तो ना रखे, यही यहाँ पर लिखा है। तो अब आपको स्मारक बही क्या होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको आप उसी समय उसमें लिख लेते हैं, ताकि वो ट्रांजेक्शन आपको याद रहे। इसमें डेबिट क्रेडिट के कोई रूल्स नहीं लगते, और ये व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है। ये एक रफ कॉपी सरी की होती है, इसलिए इसे कच्ची बुक भी कहा जाता है या कच्ची बही भी कहा जाता है, वेस्ट बुक कहा जाता है। आप इसमें अंडरलाइन वाले पॉइंट नोट करते जाएं। अब बात की आपने नोट कर लिया होगा, बात करते हैं हम आगे कि इसको रखने के क्या उद्देश्य है। तो देखिए, अब आपको पता ही है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसे याद रखने के लिए ये बुक बनाई जाती है। तो बस यही देखिए, याद रखने के लिए व्यापारी को, कोई भी व्यवहार को याद रखने में व्यापारी को सहायता मिलती है, और जो भी नकल बही और सहायक बही को शुद्धतापूर्वक तैयार करने में ये मदद करती है। भाई इसी के बेसिस पे हमने आपको बताया ना कि ये स्मारक बही के आधार पर ही आगे का लेखांकन का कार्य इसके बाद से ही प्रारंभ होता है। तो बिल्कुल उसके बाद ही नकल बही सहायक बहियां बनाई जाती है, तो उसमें ये मदद करती है। ये इसके उद्देश्य है, इसकी सहायता से क्या होता है व्यवहार की सत्यता एवं शुद्धता का प्रमाणन किया जाता है, और क्या होता है न्यायालय में भी इसे विश्वसनीय प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। और आवश्यकता पड़ने में जो ऑडिटर होता है वो भी अगर लेखों को मांगता है तो उसे भी दिखाए जाते हैं, और वो भी फिर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। तो ये सब उद्देश्य होते हैं इसके स्मारक बही को रखने के। स्मारक बही की सहायता से किसी ग्राहक के साथ किस तिथि को होने वाले अनेक लेन देनों को नकल बही बनाने से पूर्व ही जाना जा सकता है। बिल्कुल, मतलब आप क्या होता है किसी के साथ कौन से ट्रांजेक्शन आपने करें, किस तिथि को करें, ये सब आप क्या होते हैं नकल बही बनाने के पूर्व ही जान लेते हैं, क्योंकि आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उसे आप पहले ही नोट कर लेते हैं। तो आपको क्या इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो बिल्कुल आपको जो बनना है बस यहीं से बन जाएगा आपको। इसके आप कुछ भी नोट नहीं करेंगे आप उद्देश्य तो भी ठीक है, आपको जो नोट करना है केवल ये पॉइंट ही, यहीं से इतना ही नोट कर लें आप, ये वाला पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लें बस। इससे ही आपको इसके उद्देश्यों को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो आप केवल यही नोट कर लीजिए, इसके बाद ये उद्देश्य मैंने आपको समझने के लिए, ताकि आपकी ये पॉइंट पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि स्मारक बही क्या बात करती है, यह लिखना है। देखिए, लेन देनों की संख्या अधिक होने से क्या होता है व्यापारी उसी समय नकल बही में नहीं लिख पाता, इस स्थिति में वो क्या करता है स्मारक बही बना लेता है, ताकि वो एक तो उसे याद रहे और साथ ही साथ वो क्या रहे चिंता मुक्त रहे। तो ये आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और देखिए, स्मारक बही में लेखा कैसे किया जाता है, तो मैंने बताया कि स्मारक बही में लेखा जब किया जाता है तो कोई डेबिट और क्रेडिट के या कोई रूल इसमें लागू नहीं होते, केवल जो भी ट्रांजेक्शन किया गया उस ट्रांजेक्शन को याद रखने के लिए स्मारक बही में लेखा किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक तो डेट डाल के आपका ट्रांजेक्शन किया जाता है, और साथ ही साथ फिर क्या किया जाता है,
सीरियलिटी के साथ इसमें लिख लेते हैं, क्रम के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसे क्रम के साथ लिखते जाते हैं। तो आपको ये पूरा पूरा स्मारक भाई समझ में आ गई होगी। और देखिए अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें। और ये पेटीएम केस का जो मैंने आपको बताया, जब भी मैं आपको जो भी कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हम आपको देंगे तो आपको क्या करना है उसका आंसर हमें बताना है, कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ उसे आप जो हमारे वीडियोस इन्हें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो और जो भी लोग आंसर्स दे रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन के रूप में मिले। तो इसके लिए हमने या जो भी लकी विनर होगा उसे हम हर रोज़ 20 रुपीज़ का कैशबैक देंगे। और आपको ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।